विभाग की तस्करी के खिलाफ तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वन विभाग की तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर बीलखेड़ा डांग के जंगलों से खैर की लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ लिया है। ट्रक को एक्सपोर्ट कर रही कार को भी जब्त कर चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उपखंड क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कई दिनों से खैर की लकड़ी की तस्करी का खेल चल रहा था। इससे पहले भी विभाग ने कई खैर तस्कर पकड़े हैं और कई गाड़ियों को जब्त भी किया है। ACF हाफिज मोहम्मद सहित बड़ी संख्या में वन विभाग का जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। खैर की लकड़ी से भरा हुआ ये ट्रक पुलिस ने पकड़ा है। वन विभाग की तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है और इस खबर पर हमारे साथ शाहबाद से हमारे संवाददाता अनिल भार्गव अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनिल, पूरा मामला विस्तार से बताएं और अभी ये भी बताएं कि इस लकड़ी की तस्करी कहाँ की जा रही थी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये शाहबाद आदिवासी अंचल क्षेत्र के जंगलों में खैर की जंगल है, यहाँ से खैर की लकड़ी की तस्करी बड़े पैमाने पर की जाती है और कई बार वन विभाग की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम भी दिया है। कई तस्करी में ये भाइनों को ले जाते हुए पकड़ा है। वहीं आज इसी तरीके से जंगल से खैर की लकड़ी की तस्करी एक जीप और एक मेटाडोर के द्वारा की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ACF मोहम्मद हाफिज ने बताया कि क्षेत्र के जंगलों में खैर की लकड़ी की तस्करी की जा रही है, इसी की जानकारी मुखबिर द्वारा मिली थी। उसके बाद मैं जाते के मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और वहां से मेटाडोर व कार को जब्त कर लिया है। वहीं चार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये कार्रवाई लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन आज ये खैर तस्कर जो तस्कर हैं वो आज वन विभाग के चंगुल में फंसे हैं। वहीं आपको बता दें कि ये तस्करी बारह जिले के अन्य स्थानों पर की जाती है। ये गाड़ी जो पकड़ में आई है वो जयपुर की बताई जा रही है और ट्रक जो पकड़ा गया है उसमें MP का नंबर है, तो साफ तौर पर बताया जा सकता है कि ये मध्य प्रदेश से और राजस्थान से मिला हुआ मामला है। ये दोनों प्रदेश की लकड़ी तस्करी की जा रही है। जी धन्यवाद अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की।